चित्रा उस बर्तन को देखते हुए कहती है, ये तो वैसा ही बर्तन लग रहा है जिसके बारे में मुझे एक बार अनुराग ने बताया था। ये तो भक्षक पात्र है, वो पात्र जिसमें डायने अपने शिकार का मांस खाया करती थी, खून ग्रहण करती थी। ये पात्र यहाँ पर कैसे? आखिर मैं हूँ कहाँ पर? ये घर किसका है? चित्रा कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि आखिर जिस घर के अंदर वो मौजूद थी वो घर किसका था। चित्रा कमरे के अंदर रखे सामान पर अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, मैं इतना तो पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये घर किसी आम इंसान का नहीं है। जरूर यहाँ पर कोई ऐसा शख्स रहता होगा जिसका तंत्र मंत्र काले जादू से नाता होगा, तभी ये सब सामान यहाँ पर रखा हुआ है। इतना कहकर चित्रा कमरे के अंदर छानबीन करना शुरू कर देती है। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे घर के अंदर कुछ तो ऐसा मिल जाएगा जिससे उसे पता चल जाएगा कि वो घर किसका है। चित्रा उस घर में रखे सामान को बड़ी बारीकी के साथ देख रही थी, पर उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। वहां पर रखा सामान इतना ज्यादा पुराना था कि कुछ सामान देखकर तो वो भी नहीं समझ पा रही थी कि सदियों पहले उस सामान का क्या यूज किया जाता होगा। जब लूसी देखती है कि चित्रा कमरे के अंदर के सामान को देख रही है तो वो धीरे से उस घर से बाहर निकल जाती है। चित्रा को इस बात की भनक तक नहीं लगती है, उसे भनक लगती भी कैसे, वो तो बड़े गौर से घर के अंदर मौजूद सामान को देखने में लगी हुई थी। चित्रा कमरे के अंदर मौजूद सामान को देख ही रही थी कि तभी उसे एक डरावनी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, आओ मेरे पास आओ, मेरी कहानी पढ़ो, पढ़ो मेरी कहानी। चित्रा घबराते हुए हकलाहट के साथ खुद से कहती है, ये कैसी आवाज थी? उस आवाज को सुनकर चित्रा इतना घबरा गई थी कि वो अपनी जगह पर से हिल तक नहीं पा रही थी, वो इतना ज्यादा डर गई थी। चित्रा को फिर एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, आ मेरे पास आ, मेरी कहानी पढ़, आजा आजा मेरे पास, पढ़ मेरी कहानी। चित्रा अपने आसपास देखने लग जाती है पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। एक बार फिर जब वो फुसफुसाती आवाज सुनाई आती है तो चित्रा देखती है कि वो आवाज कमरे के कोने में से आ रही थी, वो कोना जो अभी भी अंधेरे से लिपटा हुआ था। मशाल की रोशनी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी जिस कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर था क्या, वहां बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। चित्रा दबे पांव जलती हुई मशाल के पास जाती है और धीरे से उसे अपने हाथ में उठाकर उस अंधेरे से लिपटे कोने की तरफ जाने लग जाती है जहां से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे चित्रा उस तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी उसके दिल की धड़कनें तेज होते जा रही थी। जब वो मशाल लेकर उस कोने में पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं था। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज कैसी थी, कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था। कुछ देर के लिए चित्रा सोच में पड़ जाती है, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। पहले लूसी का दिखना, उसे इस अनजानी जगह पर लाना और फिर उसके बाद उस फुसफुसाती हुई डरावनी आवाज का आना, आखिर क्या मतलब था इन सब चीजों का। चित्रा मशाल लेकर दीवार के कोने के पास वहां पर खड़ी ही हुई थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। जब वो उस दीवार को देखती है तो उसकी उस दीवार से नजर ही नहीं हट पाती है। उस दीवार पर कई सारे छोटे छोटे चित्र बने हुए थे, पूरी दीवार चित्रों से भरी हुई थी। करीब 25-30 चित्र उस दीवार पर बने हुए थे, वो भी अलग अलग। उन चित्रों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चित्रों के जरिए कोई कहानी बताने की कोशिश की गई हो। चित्रा उस दीवार पर बने चित्रों को देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, अब ये क्या चीज है, इतनी सारी पेंटिंग यहाँ पर किसने की है, वो भी इस तरह, इतनी खूबसूरत पेंटिंग है ये, इतनी अच्छी तो शायद मैं भी ना बना पाऊँ। चित्रा दीवार पर बनी पेंटिंग को गौर से देखते हुए उसे समझने की कोशिश करने लग जाती है और कुछ ही देर में चित्रा को वो पेंटिंग समझ में आने लग जाती है। उसे वो पेंटिंग समझ में कैसे ना आती, वो खुद एक पेंटर जो थी। पहली पेंटिंग में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हो रहा था, वो एक काया की गोद में थी। उसके आसपास 3-4 औरत खड़ी हुई थी, एक औरत नीचे लेटी हुई थी जिसने अभी अभी उस बच्ची को अपनी कोख से जन्म दिया था। वो सभी औरतें बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन सभी औरतों के 2 नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, साथ ही सभी की चोटी लंबी थी जो जमीन को टच हो रही थी, जिससे ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो कोई आम औरतें नहीं थी। चित्रा उस पहली पेंटिंग को देखते हुए कहती है, ये औरतें तो डायन की तरह लग रही हैं। चित्रा पूरी तरह श्योर होते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ती है, हाँ ये डायन ही है, उन्हीं की इतनी लंबी चोटी होती है और इस तरह नुकीले दांत होते हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि एक डायन का जन्म हुआ है, उसी के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं। पर ये कोई आम डायन नहीं है, इसमें कुछ अलग बात है। तभी सब लोग इतनी खुशी के साथ उसकी तरफ देख रहे हैं और उसे देखकर अपना सिर नीचे झुका रहे हैं। दूसरी पेंटिंग में वो औरत जिसने बच्ची को जन्म दिया था, वो अपनी बच्ची को गोद में लिए हुए थी, जो उसी की तरफ देख रही थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बच्ची के लिए परेशान हो। चित्रा उस पेंटिंग को देखकर मन में सोचने लग जाती है, ये औरत तो परेशान नजर आ रही है, पर ये इतनी परेशान क्यों है? अभी तो ये पिछली पेंटिंग में बहुत खुश नजर आ रही थी, ऐसा क्या हो गया कि ये दुखी हो गई? चित्रा अच्छे से जानती थी कि उसके सवाल का जवाब भी उसी पेंटिंग में होगा, क्योंकि पेंटिंग के जरिए ही सब कुछ बताया गया था। चित्रा और गौर से उस पेंटिंग को देखने लग जाती है। चित्रा उस पेंटिंग को बड़े गौर से देख ही रही थी कि तभी वो नोटिस करती है कि पेंटिंग में बनी औरत के सीधे हाथ की उंगलियां उसकी बेटी के चेहरे पर थी और उसकी बेटी के चेहरे पर कई सारे फुंसी फोड़े थे। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए खुद से कहती है, ओह तो ये इसके चेहरे को लेकर परेशान है, ये बच्ची तो बचपन से ही डरावनी लग रही है, बाल भी बहुत बुरे उलझे सूखे हुए लग रहे हैं। हाँ, इसकी माँ इसी वजह से परेशान है। आखिर बदसूरत लड़कियाँ बड़े होकर पसंद किसे आती हैं? हर कोई इन्हें बुरी नजरों से देखता है, चाहे वो फिर कोई डायन हो या आम लड़की। चित्रा अगली पेंटिंग की तरफ देखने लग जाती है, जिसमें एक आदमी मरा पड़ा हुआ था, जिसके गले से खून की धारा बह रही थी। वो माँ बेटी उसी मरे हुए आदमी के गले पर अपने नुकीले दांत एक साथ गड़ाए हुए थी। उन दोनों के मुंह पर ही खून सना हुआ था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों उस आदमी का खून पी रहे हो। उस पेंटिंग में उस लड़की की उम्र करीब 8 साल होगी। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए कहती है, लगता है इस पेंटिंग में ये डायन अपनी बेटी को शिकार करना सिखा रही है, बता रही है कि किस तरह शिकार करके उसका खून पिया जाता है। आखिर डायन की कोख से जन्मी हुई बच्ची डायन ही तो बनेगी ना, वो थोड़ी कोई इंसान बन सकती है, ये बच्ची भी डायन ही है। अगली पेंटिंग भी सेम ही थी, बस बदलाव ये था कि उस पेंटिंग में वो औरत अपनी बच्ची को उसी आदमी का मांस खाना सिखा रही थी, पर उसमें कुछ बदलाव और भी थे। चित्रा उस पेंटिंग में जो बदलाव थे उन्हें नोटिस करते हुए कहती है, ये क्या, इस पेंटिंग में तो इस बच्ची की चोटी बड़ी हो चुकी है, साथ ही इसके चेहरे पर जो फोड़े फुंसियां थे वो भी बड़े हो चुके हैं, ये तो और भी ज्यादा बदसूरत लग रही है। इस पेंटिंग में पिछली पेंटिंग के मुकाबले इसके चेहरे पर ज्यादा फोड़े हैं। चित्रा कुछ सोचते हुए कहती है, डायनो की शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ये बच्ची शिकार करते जाएगी इसकी शक्तियां तो बढ़ेंगी, पर साथ ही ये बदसूरत भी होती जाएगी। तभी इसके चेहरे पर एकदम से इतने सारे फोड़े आ गए। ये डायन तभी बाकी की डायनो से अलग है क्योंकि बाकी की डायने शिकार करती है तो वो और ज्यादा खूबसूरत होती है, पर ये डायन शिकार करती है तो और ज्यादा बदसूरत होती है। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है। अगली पेंटिंग के अंदर कई सारी डायने थी जो कई सारे इंसानों के अलग अलग तरीके से शिकार करके कुछ उनके मांस खा रही थी तो कुछ उनका खून पी रही थी। उन कई सारी डायनों के बीच एक डायन दूर से ही हाईलाइट हो रही थी और वो डायन वही थी जिसकी शुरुआत से ही कहानी दिखाई जा रही थी। उस डायन के हाईलाइट होने का कारण ये था कि वो उन डायनों में सबसे ज्यादा बदसूरत थी। बड़े होने के साथ ही वो और ज्यादा कुरूप हो चुकी थी। उस पेंटिंग के सबसे ऊपरी सिरे पर ही एक बड़ी डायन बैठी हुई थी जो कि काफी बूढ़ी थी। वो अपने हाथ में एक लॉकेट सामने की तरफ करके पकड़े हुए थी जिसके अंदर हरे रंग का हीरा लगा हुआ था। वो बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर छुरियां पड़ी हुई थी, उसके सफेद नहीं बल्कि हरे बाल थे। कई बार देखने के बाद भी चित्रा को वो पेंटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि उस पेंटिंग के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई थी। वो बूढ़ी औरत कौन थी, उसके हाथ में कैसा लॉकेट था? चित्रा उस पेंटिंग में सबसे ऊपर जो बूढ़ी औरत बैठी उसके ही हरे बालों को देख रही थी। चित्रा की उसके हरे बालों से नजर ही नहीं हट रही थी। चित्रा उन हरे बालों को देख ही रही थी कि तभी उसे अनुराग यक्षिणी पर जो कहानी लिख रहा था वो याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि अनुराग ने यक्षिणी की कहानियों में जो किरदार थे उनके हर किरदार के बारे में अलग से ड्राफ्ट बनाकर लिखा हुआ था। एक बार सफाई करते वक्त वही ड्राफ्ट चित्रा के हाथ लग गया था। उस ड्राफ्ट पर चित्रा की नजर पड़ गई, जिसे वो बड़े गौर से पढ़ने लग गई थी। चित्रा उस ड्राफ्ट के बारे में याद ही कर रही थी कि तभी उसे याद आता है कि महाडायन वाला जो किरदार था उसमें अनुराग ने साफ लिखा था कि जो महाडायन होती है उसके बाल हरे होते हैं। ये बात याद आते ही चित्रा को वो पेंटिंग भी समझ में आने लग जाती है।
चित्रा सब कुछ समझते हुए कहती है। हरे बाल महाडायन के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पेंटिंग के अंदर जो ये बूढ़ी औरत है वो महाडायन है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। और अनुराग के उस ड्राफ्ट के अनुसार हर 1000 साल बाद महाडायन का खिताब बदला जाता है। महाडायन उसे बनाया जाता है जो सबसे शक्तिशाली और उसके काबिल होती है। लगता है इस पेंटिंग में सभी डायनों में महाडायन बनने की रेस ही लगी हुई है, तभी इतनी बुरी तरह से इंसानों के शिकार करके उनका मांस और खून पी रही है। जो डायन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगी ये हरे हीरे वाला लॉकेट देकर उसे ही महाडायन बनाया जाएगा। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है और अगली पेंटिंग में वो बूढ़ी औरत हरा लॉकेट उस बदसूरत डायन को पहना रही थी, पर उसके पीछे जो सुंदर डायने खड़ी हुई थी वो जरा भी खुश नजर नहीं आ रही थी। उनके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बूढ़ी औरत के बाद अगली महाडायन ये बदसूरत डायन बनी है। इसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। आखिर इसकी चोटी भी तो इन डायनों में सबसे ज्यादा लंबी है, तो महाडायन तो इसे ही बनना था। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है जिसके अंदर कई सारी डायने फिर इंसानों का शिकार कर रही है, उनका मांस खा रही है। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, ये क्या, इस पेंटिंग में तो फिर से डायने शिकार कर रही है, पर ये ऐसा क्यों कर रही है? महाडायन का चुनाव तो हो चुका है, फिर ये इतनी तादाद में शिकार क्यों कर रही है? चित्रा उस पेंटिंग को जब गौर से देखती है तो नोटिस करती है कि उस पेंटिंग के अंदर महाडायन भी थी, पर वो किसी का भी शिकार नहीं कर रही थी। वो खामोशी के साथ खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। गले में लॉकेट पहनने की वजह से उसके बाल भी हरे हो गए थे, जो अलग ही पहचान में आ रहे थे, पर उसका चेहरा और ज्यादा खराब हो चुका था। इतना कि कोई उसकी तरफ देखते ही दूसरी तरफ अपना मुंह फेर ले। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, अब इस पेंटिंग का क्या मतलब है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, अब इस पेंटिंग का क्या मतलब है? चित्रा बार बार उस पेंटिंग को बड़े गौर से देखती है, अपना पूरा दिमाग लगा देती है, पर उसके समझ ही नहीं आ रहा था उस पेंटिंग की क्या कहानी थी, उस पेंटिंग के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई थी। जब कई बार सोचने के बाद भी चित्रा के कुछ समझ नहीं आता है तो वो आगे वाली पेंटिंग देखने लग जाती है। उसे लगता है कि शायद आगे वाली पेंटिंग देखकर उसे कुछ समझ आ जाए, क्योंकि वहां पर बनी हर पेंटिंग कहीं न कहीं एक दूसरी पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। उस अगली पेंटिंग में एक ऋषि मुनि भगवा रंग के कपड़े पहनकर तपस्या में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके सिर ख्यालों की तरह होते हुए दो ऊपर की तरफ चित्र निकल रहे थे। पहले ख्याली चित्र में महादेव थे जो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। दूसरे ख्याली चित्र में डायनों का अंत हो रहा था। कई सारी डायने मर रही थीं, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव अपने त्रिशूल की शक्ति से मार रहे थे। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही उसका मतलब समझ जाती है और खुद से बड़बड़ा पड़ती है। इसमें तो साफ समझ आ रहा है कि डायनो का अंत करने के लिए ऋषि मुनि महादेव की तपस्या की है। वो डायनो का अंत करना चाहते हैं महादेव के हाथों। चित्रा पिछली पेंटिंग जो उसे समझ नहीं आई थी उसे दोबारा देखती है, पर इस बार भी उसके कुछ समझ नहीं आता है और वो फिर से ऋषि मुनि की तपस्या वाली जो पेंटिंग थी उसके आगे वाली पेंटिंग को देखने लग जाती है, जिसमें महाडायन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पालकी मारकर बैठी हुई थी और बाकी सब डायने उसके सामने अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी, जैसे उन सब की कोई मीटिंग चल रही हो। उसी पेंटिंग के अंदर आसमान में चांद की अलग अलग कलाएं बनी हुई थी, चांद के घटते आकार से लेकर उसके बढ़ते आकार तक। यहाँ तक कि एक कला में तो अमावस्या की रात में किस तरह चांद छुप जाता है और नजर नहीं आता है, ये भी सूरज बनाकर दिखाया गया था। अमावस्या पूर्णिमा और अष्टमी के दिन जो चांद की कला होती है उसके अंदर लाल रंग से सर्कल बनाया गया था, जैसे खास तौर पर उस दिन को मार्क किया गया हो। चित्रा तीनों पेंटिंगों को एक साथ देखने लग जाती है। जैसे ही वो तीनों पेंटिंगों को एक साथ बारी बारी देखती है उसे समझ आता है कि आखिर उन तीनों पेंटिंगों का क्या मतलब था, वो पेंटिंग क्या कहना चाहती थी उससे। चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है, ये पहली पेंटिंग जिसमें महाडायन उदास है और बाकी सब डायने शिकार कर रही है। इस पेंटिंग के अनुसार महाडायन का तो चयन हो गया था, पर 1000 साल बाद फिर से महाडायन का चयन होना था, जिसकी तैयारी सभी डायने अभी से करने लग गई थी। डायने जितनी ज्यादा इंसानों के शिकार करती वो उतनी ज्यादा ताकतवर होती, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया।
जो इंसान उन्हें नजर आता था उसे वो मार देती थी, किसी को भी नहीं छोड़ती थी। पर कहीं न कहीं इस बात से महाडायन निराश थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी पर से मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान ही नहीं बचेंगे। अगर इंसान ही नहीं बचेंगे तो डायनो का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसानों से ही डायनो की मांस और खून की आपूर्ति पूरी होती थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए फिर से खुद से बोल पड़ती है। मानव जाति के अस्तित्व की चिंता ही ऋषि मुनि को भी सता रही थी, इसलिए वो महादेव की साधना कर रहे थे ताकि महादेव आए और डायनो का अंत करके मानव जाति को बचाया जा सके। ऋषि मुनि अपनी तपस्या में सफल होते उससे पहले ही महाडायन ने एक सभा बुलाई और ऋषि मुनि के मकसद के बारे में सबको बताया, और सभी डायन उस चीज से घबरा गए। तब महाडायन ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो बहुत बड़ा बदलाव था डायन समुदाय में। चित्रा तीसरी पेंटिंग में बने चांद की अलग अलग कलाओं पर हाथ फेरते हुए कहती है, जैसे चले आ रहा था उसे बदलना होगा। जिस तरह कभी भी इंसानों का शिकार कर दिया जाता है, अब वैसा नहीं चलेगा। महाडायन ने दिन निर्धारित किए इंसानों के शिकार के दिन, और उसके अनुसार अब से उसी दिन शिकार हुआ करेंगे। जिस दिन डायनो को सबसे ज्यादा शिकार की जरूरत होती है, और वो तीन दिन थे, पहला अमावस्या, दूसरा पूर्णिमा और तीसरा अष्टमी। यही तीन दिन चुने गए थे इंसानों के शिकार के लिए। सभी डायने महाडायन की बात मान भी गई, कैसे न मानती, वो महाडायन जो थी। बाकी सब भी डायने अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने महाडायन की बात नहीं मानी तो उनका महाडायन बनने का ख्वाब तो छोड़ो, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और रही महाडायन बनने की बात, तो उसका चयन शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर किया गया। उसके अलग मापदंड बनाए गए ताकि हजार साल बाद अगली महाडायन को भी चुना जा सके। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है जिसमें महाडायन को चुनने के अलग अलग मापदंड बने हुए थे। उसकी सोच एकदम सही जा रही थी, वो वही सोच समझ रही थी जो पेंटिंगों द्वारा बताने की कोशिश की गई थी। चित्रा झट से अगली पेंटिंग की तरफ देखने लग जाती है जिसमें महाडायन एक कमरे के अंदर थी और आईने में अपनी सूरत देखते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, जैसे उसे भी आईने में अपना चेहरा देखने में घिन आ रही हो। उसके चेहरे पर फोड़े फुंसी की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी। उसी पेंटिंग में आसमान में पूर्णिमा का चांद भी निकला हुआ था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही महाडायन के दर्द को महसूस कर लेती है और उस पेंटिंग का मतलब समझ जाती है। चित्रा हमदर्दी भरे लहजे में खुद से कहती है, लगता है महाडायन अपने रूप के कारण परेशान है, और वो ये बात अच्छे से जानती है कि अगर उसने फिर किसी इंसान का शिकार किया तो वो और ज्यादा कुरूप हो जाएगी, इसलिए वो इंसानों के शिकार करना छोड़ रही है, चाहे उसके लिए उसे कमजोरी क्यों न होना पड़े। तभी तो वो पूर्णिमा की रात शिकार पर न जाकर अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर रो रही है, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि वो इंसान का शिकार न करे। चित्रा अगली पेंटिंग देखने लग जाती है जिसमें 10 खूबसूरत डायने बनी हुई थी और उन डायनों की शादी हो रही थी। किसी डायन की पिशाच से शादी हो रही थी, तो किसी डायन की नर कुत्ते से, तो किसी की नर भेड़िये से। उसी पेंटिंग के बीचों बीच महाडायन भी थी जो मायूसी के साथ अकेले खड़ी हुई थी और अपने आसपास डायनों को अपने वरों के गले में माला पहनाते हुए देख रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को भी देखकर उसका मतलब समझ जाती है और झट से खुद से बोल पड़ती है, सभी डायनों की शादी हो रही है सिवाय महाडायन के, उसके रूप के कारण कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहा है। वो भले ही महाडायन हो पर वो कुरूप थी और कुरूप स्त्रियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना प्रेमी ढूंढना। चित्रा अगली पेंटिंग देखने लग जाती है जिसमें कई सारी डायने खड़ी हुई थी, वो भी अपने अपने जोड़े के साथ, और सबसे आगे महाडायन खड़ी थी। उसके सामने ही जंगल की झाड़ियां नजर आ रही थी। महाडायन उन्हीं झाड़ियों की तरफ देख रही थी जैसे वो किसी की तलाश में निकल रही हो। चित्रा पेंटिंग में बनी महाडायन की आंखों में देखते ही समझ जाती है कि महाडायन किसकी तलाश में निकल रही थी, किस लिए वो सब कुछ छोड़कर जा रही थी। चित्रा झट से खुद से बोल पड़ती है, लगता है महाडायन अपने प्रेमी की तलाश में निकल रही है, वो इन सबको छोड़कर जा रही है जंगल की तरफ। अगली पेंटिंग में महाडायन जंगलों में भटक रही थी जिसमें दिन और रात एक साथ दिखाए गए थे। एक तरफ सूरज उग रहा था तो एक तरफ डूब रहा था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही समझ जाती है अपने सच्चे प्रेमी की तलाश करने के लिए महाडायन कई सालों तक जंगल में भटक रही है, दिन रात चल रही है। शिकार न करने के बाद भी वो कमजोर नहीं हो रही है क्योंकि वो अब महाडायन बन चुकी थी। उसके हरे हीरे में इतनी शक्ति थी कि उसे शिकार करने की अब कोई जरूरत नहीं थी, वो बिना शिकार करे ही सालों तक ताकतवर रह सकती थी। पर उस हीरे की मदद से वो सौंदर्य रूप कभी नहीं पा सकती थी, और ये बात वो भी अच्छे से जानती थी। इसी वजह से वो अपने सच्चे प्रेमी की तलाश में निकली थी।
चित्रा अभी तक एक एक पेंटिंग को बारी बारी बड़े आराम से देखे जा रही थी, पर जब वो अगली पेंटिंग को देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। वो बस उस पेंटिंग को देखते रह जाती है, न कुछ बोल पाती है न समझ पाती है। उस पेंटिंग पर से चित्रा की निगाहें हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा कोई सी ऐसी चीज देख रही थी जिसे या तो वो पहले भी देख चुकी थी या फिर उसके बारे में पहले भी सुन चुकी है। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये तो भक्षानर की तरह लग रहा है। भक्षानर की तरह लग क्या रहा है, यही भक्षानर है। अनुराग ने जो ड्राफ्ट लिखा था उसमें भक्षानर का हुलिया इसी तरह तो बताया गया था। वो बहुत ही ज्यादा बलशाली और ताकतवर था, और तो और वो भक्षानर पहली बार भी महाडायन से इसी तरह मिला था। उस कहानी के अनुसार उस पेंटिंग के अंदर भक्षानर घायल अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ था। उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। वहीं पर महाडायन उसके पास बैठी हुई थी, जैसे वो जांच रही हो कि भक्षानर जिंदा भी है या फिर वो मर गया है। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मतलब वो कहानी जो मुझे सुनाई गई थी और जो मैंने पढ़ी थी वो सच है। सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा बताया गया है मुझे। चित्रा कुछ याद करते हुए बड़े आक्रोश के साथ कहती है, इससे आगे की कहानी मैं अच्छे से जानती हूँ। चित्रा सब कुछ समझते हुए खुद से कहती है, जब जंगलों में महाडायन अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही थी उसी वक्त महाडायन को भक्षानर घायल अवस्था में मिला होगा, और फिर उसके बाद महाडायन ने ही भक्षानर को बचाया होगा। जब चित्रा की नजर अगली पेंटिंग पर पड़ती है तो वो देखती है कि उस पेंटिंग में महाडायन भक्षानर के साथ एक घर के बाहर खड़ी हुई थी, और वो घर बाहर से ऐसा ही दिख रहा था जिस घर में इस वक्त वो मौजूद थी। चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वही घर है जिसके अंदर महाडायन और भक्षानर रहते थे। महाडायन भक्षानर को यहीं पर लेकर आई थी। चित्रा को याद आता है कि जब वो इस घर के अंदर छानबीन कर रही थी तो उसके हाथ में ओखली लगी थी। चित्रा समझ जाती है कि वो वही ओखली थी जिसके अंदर भक्षानर को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां कूटी गई होंगी। उस वक्त यूज किया हुआ सामान आज तक यहीं पर मौजूद था। अगले ही पल चित्रा को उस कुल्हाड़ी का ख्याल भी आ जाता है जिस पर उसकी नजर पहले ही पड़ चुकी थी। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अनुराग के ड्राफ्ट के अनुसार भक्षानर के बाजुओं के अलावा उसके पास अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार था तो वो उसकी कुल्हाड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो वो कुल्हाड़ी इस घर में देखी थी वो भक्षानर की ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी से वो पहले सबके शिकार किया करता था। अगली पेंटिंग में महाडायन फिर से किसी इंसान का शिकार कर रही थी, पर इस बार शिकार करके खून वो खुद नहीं पी रही थी बल्कि अपने हाथों से भक्षानर को पिला रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए खुद से कहती है, महाडायन ने फिर से इंसानों के शिकार करना शुरू किए, वो भी सिर्फ भक्षानर को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि भक्षानर को जिंदा रहने के लिए मांस और खून की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगली कुछ पेंटिंगों में महाडायन को भक्षानर की देखभाल करते हुए दिखाया गया था। साथ में ये भी दिखाया गया था कि उनके बीच नजदीकियां बढ़ते जा रही थी, और देखते ही देखते नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि महाडायन और भक्षानर को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। एक पेंटिंग में वो दोनों एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते हुए दिखाए गए थे। एक पेंटिंग के अंदर महाडायन खुद थी जो इस दीवार पर बड़े प्यार से पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे महाडायन अपनी जान डाल रही हो दीवारों में, जो सदियों तक उसकी दास्तां पेंटिंगों के जरिए बयान करने वाली थी। महाडायन बहुत खुश थी, और ये खुशी पेंटिंगों में उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे देखकर ही साफ समझ आ रही थी। पर कुछ पेंटिंगों बाद ही देखते महाडायन के चेहरे की खुशी गायब होने लग जाती है। एक पेंटिंग के अंदर महाडायन बेड पर अकेले लेटी हुई थी और उसके दिमाग में भक्षानर का ख्याल चल रहा था, जिसमें भक्षानर किसी दूसरी स्त्री के साथ निर्वस्त्र अवस्था में था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, मैंने भी यही सुना था कि भक्षानर का महाडायन के अलावा भी कई औरतों के साथ शारीरिक संबंध था, वो बस महाडायन को धोखे में रखे हुए था। अब बस आखिरी पेंटिंग बची हुई थी। उस पेंटिंग में भक्षानर सो रहा था और महाडायन उसकी नाभि पर काजल लगा रही थी। चित्रा उस आखिरी पेंटिंग को देखते हुए खुद से कहती है, ये क्या, इसके बाद कोई पेंटिंग क्यों नहीं बनी हुई है? इसके बाद क्या हुआ होगा महाडायन के साथ? महाडायन ने आगे की पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? चित्रा दीवार को देखते हुए यही सोचती रहती है और फिर खुद ही बोल पड़ती है, इसके बाद होना क्या होगा? काजल लगाने के बाद ही तो भक्षानर कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने गया था और कई सालों तक करते रहा, और जब कामेश्वरी यक्षिणी आई तो उसके आने के साथ ही उस रात महाडायन का अंत तो हुआ ही, साथ में उसके प्रेम का अंत भी हमेशा हमेशा के लिए हो गया।
सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। इसके बाद होना क्या था? काजल लगाने के बाद ही तो भक्षानर कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने गया था और कई सालों तक करते रहा। और जब कामेश्वरी यक्षिणी आई तो उसके आने के साथ ही उस रात महाडायन का अंत तो हुआ ही, साथ में उसके प्रेम का अंत भी हमेशा हमेशा के लिए हो गया। इतना कहकर चित्रा खामोश हो जाती है। कमरे के अंदर एकदम से सन्नाटा छा जाता है, वो सन्नाटा जिसमें कहीं न कहीं महाडायन का दर्द उसके हाथों से बनाई गई पेंटिंग्स के जरिए दीवारों में दफन था। चित्रा दीवार पर बनी पेंटिंग को देखते हुए महाडायन के दर्द को महसूस करने लग जाती है। चित्रा महाडायन के दर्द को अपने दर्द की तरह महसूस करते हुए खुद से कहती है, कितना कुछ किया था महाडायन ने उस कपटी भक्षानर के लिए, पर उस कमीने भक्षानर ने क्या किया? धोखा दिया महाडायन को। उस भक्षानर के कारण ही महाडायन को फिर से शिकार करना शुरू करना पड़ा था और ज्यादा कुरूप होना पड़ा, वरना वो बेचारी कभी शिकार नहीं करती। भक्षानर के प्रेम में महाडायन ने उसको अपना हीरा तक दे दिया था, पर फिर भी वो भक्षानर नहीं माना, उसने महाडायन को धोखा दिया। ये बात कहते ही चित्रा के मन में अनुराग का ख्याल आ जाता है और वो अनुराग को याद करते हुए खुद से कहती है, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, कभी एक स्त्री से प्रेम नहीं करते हैं, हमेशा उन्हें धोखा देते हैं। अनुराग भी तो यक्षिणी। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है, वो अपनी बात पूरी नहीं करती है। चित्रा कमरे के अंदर फिर से अपनी नजरें दौड़ाने लग जाती है। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, महाडायन और भक्षानर का जो होना था वो हो गया, पर अब मुझे उस काले साए का कुछ करना पड़ेगा, खत्म करनी पड़ेगी उसकी कहानी, वरना वो सबका अंत कर देगा। पर कैसे कैसे करूं मैं उस काले साए का अंत, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने वंदना से बोल तो दिया कि अमावस्या तक मैं उस काले साए का अंत कर दूंगी, पर मुझे अभी तक खुद ही नहीं पता मैं क्या करूंगी। चित्रा परेशान होने लग जाती है, उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था, वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। चित्रा परेशान होते हुए ही खुद से कहती है, हर किसी की कुछ न कुछ कमजोरी होती है, उस काले साए की भी कुछ न कुछ कमजोरी तो जरूर होगी, बस मुझे उसकी कमजोरी का पता लगाना है, पर कैसे पता करूं मैं उसकी कमजोरी का। चित्रा इसी बारे में सोचने लग जाती है। काले साए की कमजोरी के बारे में सोचते वक्त भी उसकी नजरें दीवार पर ही टिकी हुई थी। उस दीवार पर बने चित्र को देखते हुए ही उसके मन में एक ख्याल आता है और वो फिर खुद से बड़बड़ा पड़ती है, ये कहानी भी तो आधी थी, पर मुझे पूरी कहानी पता चल गई और ये सब मुमकिन हो पाया अनुराग की उस कहानी की वजह से जो उसने लिखी थी। चित्रा इस बारे में गहराई से सोचते हुए फिर खुद से बड़बड़ा पड़ती है, अपने अतीत की यादों को याद करके ही मैं महाडायन की इस अधूरी कहानी को खुद से पूरा कर पाई हूँ। हो सकता है अगर मैं अपने अतीत की यादों को फिर से दोहराऊं तो मुझे भी उस काले साए की कमजोरी का पता चल जाए। आखिर उस काले साए ने अतीत में मुझ पर भी तो हमला किया था ग्रेवयार्ड कोठी में, वो भी एक बार नहीं कई बार उसने मुझ पर हमला किया था, और मैं सोचती रही कि वो सब यक्षिणी कर रही है मेरे साथ, पर वो यक्षिणी नहीं बल्कि वो काला साया था। चित्रा लगातार खुद से बातें करती जा रही थी, तभी उसकी नजर जमीन पर रखे ब्रश पर पड़ती है जिन्हें जानवरों के बालों से बनाया गया था, वही ब्रश जिनसे सदियों पहले महाडायन ने दीवार पर पेंटिंग बनाई थी। उसी ब्रश के पास कुछ रंग के डिब्बे भी रखे हुए थे जिन्हें फूलों के रस को निचोड़ कर बनाया गया था। ये हैरान करने वाली बात थी कि वो रंग अभी भी अच्छी हालत में थे, उनका यूज किया जा सकता था, इतनी सदियों बाद भी वो रंग खराब नहीं हुए थे। जब चित्रा उन रंगों और ब्रश की तरफ देखती है तो उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो रंग और ब्रश उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, उसे अपने पास बुला रहे हो और कह रहे हो कि उठाओ हमें, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। चित्रा के मन में न जाने क्या आता है, वो धीरे धीरे अपने कदम उन रंगों और ब्रश की तरफ बढ़ाती है और उन्हें धीरे से अपने हाथों में उठा लेती है। फूलों के रस से बने उन रंगों की खुशबू अभी तक आ रही थी, उनकी महक सूंघकर चित्रा की आंखों के सामने वो पल गुजरने लग जाता है जब महाडायन उन फूलों का रस निचोड़कर उनसे रंग बना रही थी। वो पल बहुत ही सुहाने थे, चित्रा उन पलों को महसूस कर पा रही थी। चित्रा धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाती है और वहीं पर रखे एक लकड़ी के टेबल के पास जाकर बैठ जाती है। वो टेबल पूरी तरह ब्लैक था। चित्रा रंगों को टेबल पर रख देती है, वो अपने हाथ में पकड़े हुए एक ब्रश को लाल रंग में डुबोती है और अपने अतीत की यादों के बारे में सोचने लग जाती है।
वो यादें याद करने लग जाती है जो उसने अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में बिताई थी। चित्रा रात भर अपने अतीत की यादों को याद करते रहती है और देखते ही देखते कब सुबह हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। सुबह का एहसास तो उसे तब होता है जब सूरज की किरणें खिड़की से सीधे कमरे के अंदर आ रही थी। वो किरणें सीधे चित्रा के चेहरे पर पड़ रही थी। जब चित्रा खिड़की की तरफ अपनी नजरें करती है तो उसे बाहर लूसी खड़ी हुई नजर आती है। पहले तो लूसी भी चित्रा को एकटक ही देखते रहती है, पर फिर अगले ही पल वो वहां से चली जाती है। चित्रा भी वापस से अपने अतीत की यादों के बारे में सोचने लग जाती है। वो बार बार अपने अतीत की यादों को अपने दिमाग में दोहरा रही थी। उसे लग रहा था कि कोई ना कोई उस काले साए की कमजोरी उसे अपने अतीत की यादों में जरूर मिल जाएगी। इस तरफ घर के अंदर चित्रा अपने अतीत की यादों को दोहरा रही थी तो बाहर ही लूसी घर के चारों तरफ बार बार घूम रही थी। जैसे जैसे लूसी घर के चक्कर लगाते जा रही थी, वो जमीन जो बंजर पड़ी थी वो फिर से हरी भरी होने लग जाती है। वो सूखा तालाब जिसमें एक बूंद पानी तक नहीं था, उसमें फिर से अपने आप पानी भरने लग जाता है। देखते ही देखते उस जगह का हुलिया पूरी तरह बदलने लग गया था। कुछ दिनों तक चित्रा उसी घर में बैठी रहती है। न उसे भूख लगती है न प्यास, जैसे उस जगह पर बैठने से ही उसकी भूख और प्यास की पूर्ति हो रही हो। न उसे दिन का पता चल रहा था न उसे रात का पता चल रहा था। वो बस बार बार अपनी अतीत की यादें अपने मन में दोहराए जा रही थी। आंखें बंद करके हर एक पल को याद कर रही थी जो उसने ग्रेवयार्ड कोठी में बिताए थे, पर उसे फिर भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, हर एंगल से याद करके देख लिया पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उस काले साए की कमजोरी क्या है। अब तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है पागल हो रही हूँ मैं। चित्रा के हाथ में एक सफेद पेपर था। चित्रा को गुस्सा आने लग जाता है और चित्रा गुस्से से उस पेपर को मोड़ने लग जाती है। चित्रा गुस्से से उस पेपर को मोड़ ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि ऐसा ही गुस्सा उसे तब आया था जब वो अनुराग की कहानियों को जला रही थी। उसे लगा था कि उस कहानी की वजह से ही उस पर और युग पर यक्षिणी हमला कर रही है। तभी वो अनुराग की लिखी स्क्रिप्ट उसके कमरे से ले आई थी और उसे कुएं के पास लाकर जलाने लग गई थी। चित्रा उस पल को याद करने लग जाती है जब वो अनुराग की लिखी स्क्रिप्ट को जला रही थी। उसे याद आता है कि जब वो उस स्क्रिप्ट को जला रही थी तो उसकी उन कागजों पर भी नजर पड़ी थी जो एक पल के लिए उसे वो पढ़ने लग गई थी। उसकी नजर किसी ऐसे किरदार पर आकर रुक गई थी जिसमें यक्षिणी कहानी के जो किरदार थे उनकी ताकत और कमजोरी के बारे में बताया गया था। चित्रा उस सीन को याद ही कर रही थी कि तभी वो हड़बड़ाहट के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए बोल पड़ती है, हाँ उसमें लिखी हुई थी उसकी कमजोरी। क्या पढ़ा था मैंने, उसमें क्या था, याद कर चित्रा, याद कर। चित्रा खुद से बातें करने लग जाती है और अगले ही पल उसे कुछ याद आता है और वो झट से ब्रश उठाती है और लाल रंग में उसे डुबोकर टेबल के ऊपर ही कुछ बनाने लग जाती है। चित्रा वो कमजोरी ड्रॉ कर रही थी जो उसे उसके अतीत की यादों में दिखी थी। जब चित्रा की ड्रॉइंग कम्प्लीट हो जाती है तो वो टेबल को देखते हुए खुद से कहती है, हाँ यही है उसकी कमजोरी। इससे मैं उस काले साए को मार तो नहीं सकती हूँ पर रोक जरूर सकती हूँ और उतने ही वक्त में मैं उसको वहां से आजाद कर दूंगी और फिर वो उस काले साए को मार देगी। वही उस काले साए को मार सकती है। चित्रा अपनी जगह पर से खड़ी होती है और टेबल पर अभी हाल ही में उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखते हुए कहती है, अब बस मुझे इसी चीज की जरूरत है, मुझे ये लाना होगा। इतना कहकर चित्रा तुरंत उस कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलती है उसके पैर अपने आप थम जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो देखती है कि बाहर का पूरा हुलिया बदल चुका था। हर तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए थे। वो बंजर जमीन छोटी छोटी हरी घासों से भरी हुई थी। सूखा तालाब पानी से तो भरा ही हुआ था, साथ ही उसके अंदर कई सारे कमल के फूल भी लगे हुए थे। पूरा तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ था। हर तरफ कमल के फूलों की महक थी। उस जगह को देखकर चित्रा को दीवारों पर बनी पेंटिंग की याद आने लग जाती है, जिसमें इसी तरह एक पेंटिंग बनी हुई थी जब महाडायन भक्षानर को इसी जगह पर लेकर आई थी और वो दोनों प्यार से यहाँ पर रहते थे। तालाब के पास ही लूसी बैठी हुई थी जो चित्रा की तरफ ही देख रही थी। चित्रा अपने आसपास देखते हुए खुद से कहती है, ये सब कैसे हो गया, जब मैं यहाँ पर आई थी तब तो ये जगह ऐसी बिल्कुल नहीं थी, ये जगह इतनी जल्दी बदल कैसे गई। चित्रा इसी बारे में सोचते रहती है पर ज्यादा कुछ सोच नहीं पाती है और इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए वो चीज ढूंढने लग जाती है जिसके लिए वो कमरे से बाहर आई थी। कुछ देर बाद चित्रा ने काली साड़ी पहनी हुई थी और उसके कंधे पर काले रंग का बड़ा सा साइड बैग टंगा हुआ था जो कि जूट की रस्सी से बना हुआ था। वो बहुत फूला हुआ लग रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ सामान रखा गया हो। चित्रा खुद से बातें करते हुए कहती है, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ उस काले साए से लड़ने के लिए, बस मुझे इस काम में वंदना और उसकी मदद लेनी पड़ेगी।
तभी सब कुछ ठीक से हो पाएगा। इतना कहकर चित्रा कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। जब चित्रा कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। घने काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे। चित्रा आसमान में फैले अंधेरे को देखते हुए खुद से कहती है, अमावस्या को अब बस 3 दिन बचे हैं, उससे पहले मैं उस काले साए का अंत कर दूंगी। फिर उसके बाद युग बेटा तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए आएगी और फिर तुम्हें सारी सच्चाई बता देगी। इतना कहकर चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए ही चित्रा अपने अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो रोंकामुचा गांव के अंदर थी और अपने कदम धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ाते जा रही थी। काली बारिश अभी भी हो रही थी जिसमें वो भीगते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही थी। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अब बस कुछ देर और मैं हवेली पहुंचने वाली हूँ, फिर उसके बाद मैं वंदना और उसको अपने तरीके से बाहर बुलाऊंगी। इस वक्त मैं किसी के सामने नहीं आ सकती वरना मुसीबत खड़ी हो सकती है। देखते ही देखते चित्रा हवेली की बाउंड्री के पास पहुंच जाती है। बाउंड्री की दीवार के पास आकर ही वो रुक जाती है। चित्रा बाउंड्री को बड़े गौर से देखने लग जाती है। चित्रा बाउंड्री को देखते हुए घबराते हुए कहती है, ये क्या, वो निशान तो यहीं पर बना हुआ था, फिर उसे यहाँ पर से किसने मिटा दिया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बाउंड्री को देखते हुए घबराते हुए कहती है, ये क्या, वो निशान तो यहीं पर बना हुआ था, फिर उसे यहाँ पर से किसने मिटा दिया। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए मन ही मन सोचती है, यही निशान तो था जो उस काले साए को रोके हुए था, जो उसे इस हवेली में नहीं घुसने दे रहा था। अगले पल चित्रा को युग की फिक्र सताने लग जाती है और वो हड़बड़ाहट के साथ हवेली की बाउंड्री से अंदर की तरफ जाने लग जाती है। जब चित्रा बाउंड्री से हवेली के अंदर घुसती है और हवेली की हालत देखती है तो वो और ज्यादा घबरा जाती है। उसके पैर डगमगाने लग जाते हैं। हवेली पूरी तरह चकनाचूर होकर टूट चुकी थी। उसकी दीवारें मलबे में तब्दील हो गई थी। खिड़कियों के कांच टूटकर हर तरफ फैले हुए थे। हवेली के अंदर का सामान मलबे के अंदर दबा हुआ था। हर सामान कहीं न कहीं से टूटा पड़ा था। चित्रा डरते हुए कहती है, ये हवेली की क्या हालत हो गई, किसने किया हवेली का ऐसा हाल। चित्रा के इतना कहते ही बादल तेजी के साथ गरजने लग जाते हैं। आसमान में तेज बिजली चमकती है, इतनी तेज कि उस बिजली की आवाज सुनकर चित्रा के हाथ पैर कांप जाते हैं। बिजली की आवाज के साथ ही बादल और तेजी के साथ बरसने लग जाते हैं। काली बारिश तेजी के साथ होने लग जाती है। जब चित्रा की नजर काली बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो वो समझ जाती है कि ये सब किसने किया होगा। चित्रा गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, और कौन करेगा, जरूर ये सब उस काले साए ने ही किया होगा। वही तो मेरे बेटे युग के पीछे पड़ा हुआ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगले ही पल चित्रा को युग की फिक्र सताने लग जाती है। चित्रा युग के बारे में सोचते हुए घबराते हुए खुद से कहती है, युग तो अपने दोस्तों के साथ हवेली में ही रुका हुआ था, वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। न युग दिखाई दे रहा है न उसके दोस्त, कहीं मेरे बेटे युग और उसके दोस्तों को कुछ हो तो नहीं गया। चित्रा को युग की मौत का डर सताने लग जाता है। डर के कारण उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग गए थे। उसके अंदर की घबराहट और ज्यादा बढ़ने लग गई थी। उसकी बेचैनी साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। चित्रा नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मेरे बेटे युग को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे बेटे युग को। चित्रा की नजरें ढही हुई हवेली के मलबे के ऊपर ही थी, जिसके नीचे हवेली का आधे से ज्यादा सामान दबा हुआ था। चित्रा को लगने लग जाता है कि हवेली की दीवारें गिरने के कारण युग और उसके दोस्त टूटी दीवारों के अंदर दब गए होंगे, इसलिए वो अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थरों को हटाने लग जाती है। चित्रा उन पत्थरों को हटाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपने बेटे युग को, वो यहीं पर होगा, मैं उसे बचा लूंगी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उसे। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा मलबे में तब्दील हुए बड़े बड़े पत्थरों को हटाने लग जाती है। चित्रा पत्थर हटाए ही जा रही थी कि तभी उसे किसी का हाथ दिखाई देता है। वो हाथ मलबे में दबा हुआ था। जब चित्रा उस हाथ को देखती है तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी जाती हैं। उसे लगने लग जाता है जैसे वो युग का हाथ है। वो हाथ पूरी तरह से खून से सना हुआ था और अभी भी उससे खून का बहाव चालू था। चित्रा अपने आप को हिम्मत देते हुए धीरे से झुकती है और उस हाथ के पास के पत्थरों को एक एक करके हटाने लग जाती है। लाश पूरी तरह बड़े बड़े पत्थरों के अंदर दबी हुई थी, जिस कारण चित्रा को उस लाश का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस हाथ ही हाथ दिखाई दे रहा था। जब चित्रा ने उस हाथ को छुआ था
और उसकी नस चेक की थी तो उसकी धड़कन रुकी हुई थी। चित्रा समझ गई थी कि वो लाश जिसकी भी थी वो अब जिंदा नहीं बचा था, मर चुका था। चित्रा उस लाश को मलबे में से निकालने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है। वो उस हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और ऊपर की तरफ खींचने लग जाती है। कुछ ही देर में वो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। जब लाश बाहर आती है और चित्रा उस लाश का चेहरा देखती है तब जाकर उसकी जान में थोड़ी जान आती है। चित्रा उस लाश को देखते हुए नम लहजे के साथ कहती है, ये तो जेठजी हैं। इसका मतलब उस काले साय ने जेठजी को मार दिया, पर कैसे? वो लाश जो चित्रा ने मलबे से निकाली थी वो किसी और की नहीं बल्कि दिलीप की लाश थी। दिलीप की लाश को देखकर चित्रा की घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। दिलीप के मन में भले ही चित्रा के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं थी, पर चित्रा वो स्त्री थी जिसके दिल में किसी के लिए भी जरा भी नफरत नहीं थी। वो लोगों को उसके खिलाफ बुरा करने के बाद भी उन्हें अच्छी नजरों से ही देखती थी। यही चित्रा की सबसे अच्छी बात थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी। जब चित्रा दिलीप की लाश को देखती है तो एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो जानती थी कि किसी अपने को छोड़कर चले जाने का क्या गम होता है, चाहे वो शख्स कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, था तो वो परिवार का हिस्सा ही ना। और किसी एक शख्स के चले जाने से भी पूरा परिवार बिखरने लग जाता है। कुछ देर तक चित्रा एकटक नजर से दिलीप की लाश को ही देखती रहती है, पर जैसे ही उसके मन में फिर युग का ख्याल आता है वो दिलीप की लाश को वहीं पर छोड़ती है और फिर से बड़े बड़े पत्थरों को वहां से हटाने लग जाती है। उसे उम्मीद थी कि इन मलबों के अंदर ही कोई न कोई जिंदा इंसान उसे जरूर मिल जाएगा, उसे बस देर नहीं करनी चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ चित्रा जल्दी जल्दी और पत्थरों को हटाने लग जाती है। चित्रा पत्थरों को हटा ही रही थी कि तभी उसे एक खून से सनी हुई साड़ी का पल्लू नजर आता है जो एक औरत से लिपटा हुआ था। वो औरत भी बुरी तरह मलबे में दबी हुई थी, बस उसकी साड़ी और हल्का सा बदन मलबे पे से नजर आ रहा था। चित्रा डरते हुए खुद से कहती है, ये कौन हो सकता है, कहीं ये वंदना तो नहीं? अगले ही पल चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये वंदना नहीं हो सकती। वंदना तो सफेद साड़ी पहनती है और ये साड़ी तो पीली है। चित्रा जल्दी जल्दी उस औरत की लाश के पास फैले मलबे को भी अपने हाथों से हटाने लग जाती है। मलबे को हटाते हुए ही एक पत्थर उसके हाथ के ऊपर ही आकर गिर जाता है, जिस कारण उसके सीधे हाथ की उंगली दब जाती है और उससे खून बहने लग जाता है। एक पल के लिए चित्रा दर्द से कराहती तो है, पर वो रुकती नहीं है, वो अपना काम जारी रखती है। उसे देखना था कि आखिर वो औरत कौन थी जो मलबे में दबी हुई थी। कुछ ही देर में चित्रा उस औरत की लाश को भी मलबे में से बाहर निकाल लेती है, और जब चित्रा उस औरत का चेहरा देखती है तो वो दर्द जो उसने अपनी आंखों के पीछे छुपाया हुआ था उसे वो रोक नहीं पाती है। वो दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है। चित्रा रोते हुए दर्द भरे एहसास के साथ कहती है, जानकी दीदी, ये क्या हो गया आपको? इस बार चित्रा के हाथों जिस औरत की लाश लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि जानकी की थी। जब चित्रा की आंखों में दिलीप के लिए आंसू आ सकते थे तो जानकी तो और ज्यादा चित्रा के दिल के करीब थी। जानकी के लिए चित्रा का दहाड़े मार मार कर रोना लाजमी था। जानकी की लाश देखकर चित्रा के आंसू थम ही नहीं रहे थे, वो लगातार रोए जा रही थी। चित्रा जानकी की लाश को देखते हुए रोते हुए कहती है, ये आपको क्या हो गया जानकी दीदी? उठिए दीदी, आपको कुछ नहीं हो सकता, उठिए। चित्रा बार बार जानकी को उठाने की कोशिश कर रही थी पर जानकी नहीं उठ रही थी। वो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी, सभी को छोड़कर इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। एक एक करके चित्रा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसी के साथ चित्रा के दिल में जानकी के लिए जो प्रेम था वो भी बहते जा रहा था। चित्रा जानकी की लाश को देखकर रो रही थी कि तभी उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट भरी आवाज आने लग जाती है, ऐसी आवाज जिस कारण उसका जानकी की लाश पर से ध्यान हट जाता है। वो फुसफुसाहट भरी आवाज इतनी तेज थी कि जोरदार बारिश होने के बाद भी वो आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वो फुसफुसाहट भरी आवाज और तेज होने लग जाती है। चित्रा उस आवाज को सुनते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? चित्रा उस आवाज को गौर से सुनने लग जाती है और जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी उस तरफ जब वो अपनी नजरें करती है तो देखती है कि वो आवाज उस तरफ से आ रही थी जहाँ पर थोड़ी देर पहले उसके खून की बूंद गिरी थी। वो पत्थर वहीं पर रखा हुआ था जिससे उसकी उंगली चबी थी। उस पत्थर पर अभी भी चित्रा का खून लगा हुआ था और वो बूंद पत्थर से सरकते हुए नीचे मलबे के अंदर गिर रहा था जहाँ पर एक छोटा सा छेद था। फुसफुसाहट भरी आवाज भी उसी छेद के अंदर से आ रही थी। चित्रा उस छोटे से छेद को देखते हुए कहती है, ये यहाँ से कैसी आवाज आ रही है? चित्रा धीरे धीरे अपने कदम उस छोटे से छेद की तरफ बढ़ाने लग जाती है। चित्रा नीचे झुकती है तो वो फुसफुसाहट की आवाज और तेज हो जाती है, पर उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो फुसफुसाहट भरी आवाज में कोई क्या बोल रहा था। चित्रा झिझकते हुए अपने कान उस छेद के पास लगाने लग जाती है और धीरे धीरे वो फुसफुसाहट की आवाज उसे एकदम क्लियर सुनाई देने लग जाती है।
छेद के अंदर से एक आदमी की डरावनी आवाज सुनाई देती है। मेरी चित्रा, तुम आ गई, मुझे तुम्हारा इंतजार था। चित्रा आओ, मेरे पास आओ चित्रा। जैसे ही चित्रा के कानों तक ये आवाज पहुंचती है, चित्रा झट से अपने कान उस छेद से दूर हटा देती है। उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर चित्रा और ज्यादा घबरा जाती है। चित्रा डर से कांपते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी? क्या मैंने एकदम सही सुना? उसने मेरा ही नाम लिया या फिर वो कुछ और बोल रहा था? चित्रा असमंजस में पड़ जाती है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि उसने एकदम सही सुना था या फिर कुछ और ही सुन लिया था। चित्रा फिर से अपने कान उस छेद में लगाने के लिए नीचे झुकने लग जाती है, पर इस बार फिर उसे वही आवाज सुनाई देती है। तुम आ गई चित्रा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ मेरे पास आओ चित्रा। फिर से वही आवाज सुनकर चित्रा पूरी तरह कंफर्म हो जाती है कि उससे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है। उसने जो भी सुना था एकदम सही सुना था, पर उस आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर चित्रा का डर चरमोत्कर्ष अवस्था पर था। चित्रा उस छोटे से छेद की तरफ देखने लग जाती है जो सीधे जमीन के अंदर की तरफ जा रहा था, जिस पर कई सारा मलबा पड़ा हुआ था। चित्रा उस छेद को देखते हुए खुद से कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई है, पर वहाँ कौन होगा? वो छेद इतना बड़ा तो था ही कि चित्रा अपनी एक आंख से उस छेद के अंदर आराम से झांक सकती थी। चित्रा धीरे से नीचे झुकती है और एक आंख उस छेद के ऊपर रख कर अंदर झांकने लग जाती है, पर उस छेद के अंदर इतना ज्यादा अंधेरा था कि चित्रा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर तब भी चित्रा कोशिश किए हुए थी और अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। चित्रा अंदर झांकी रही थी कि तभी उसे फिर से फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। आओ चित्रा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चित्रा इस बार डरती नहीं है, अंदर की तरफ ही झांकती रहती है। उसे उस छेद के अंदर कुछ हलचल सी महसूस होने लग जाती है, जैसे उस छेद के अंदर कोई चीज हो जो धीरे धीरे हिल रही हो। चित्रा हिम्मत करते हुए डर के साथ पूछती है, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आता है, पर हलचल होने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। चित्रा झिझकते हुए फिर एक बार पूछती है, मैं पूछती हूँ, कौन है वहाँ? जवाब दो। एक डरावनी फुसफुसाहट भरी आवाज आती है, मैं हूँ मौत का साया, काला साया, जैसे चित्रा के कानों तक ये आवाज पहुँचती है, वो झट से अपना चेहरा उस छेद के पास से दूर हटा लेती है। जब वो हड़बड़ाहट के साथ पीछे हटती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है, जिस कारण उसके हाथ में चोट लग जाती है। उसकी कोहनी से खून बहने लग जाता है। चित्रा दर्द से कराहते हुए कहती है, आह मेरा हाथ। अभी चित्रा अपनी कोहनी में लगी हुई चोट को देख ही रही थी कि तभी वो छेद जहाँ से आवाज आ रही थी उसमें तेजी के साथ हलचल होने लग जाती है। हलचल इतनी तेज होती है कि वो छेद के आसपास की जमीन का एरिया हिलने लग गया था, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। चित्रा अपने आसपास की जमीन को हिलता हुआ देख डरते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? चित्रा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो छेद और तेजी के साथ हिलने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस छेद के अंदर से कोई चीज बाहर आ रही हो। देखते ही देखते उस छेद के अंदर से एक काला पेन बाहर निकलता है जिसकी निब खुली हुई थी। उस पेन की निब कुछ ज्यादा ही नुकीली थी, जिस पर लाल इंक लगी हुई थी, पर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो लाल इंक ना हो बल्कि खून हो। चित्रा उस पेन को गौर से देखने लग जाती है, उसे वो पेन जाना पहचाना लगने लग जाता है। चित्रा उस पेन को देखते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये पेन तो कहीं देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा है मैंने इसे, कहाँ देखा है? चित्रा उस पेन के बारे में याद करने लग जाती है और अगले ही पल वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, हाँ ये पेन तो अनुराग का है, उसी के पास मैंने इस पेन को देखा था, पर ये पेन यहाँ पर क्या कर रहा है और ये इस तरह हवा में कैसे उड़ रहा है? वो काला पेन जो हवा में उड़ रहा था वो वही पेन था जो उस काले साए ने ग्रेवयार्ड कोठी में जाते वक्त युग को दिया था। इसी काले पेन से युग ने अपने पिता अनुराग की कहानी लिखी थी जब वो उनको आखिरी बार लेटर लिखने वाला था। उस वक्त युग को खुद पता नहीं था कि उसने वो कहानी कैसे लिख दी थी। उसे खुद ये लग रहा था जैसे उसने वो कहानी लिखी हुई नहीं थी बल्कि उससे वो कहानी लिखवाई गई थी। चित्रा उस पेन को देखते हुए कहती है, ये पेन यहाँ पर है, इसका मतलब ये हुआ कि... चित्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही उस पेन के निब में से लाल इंक बाहर निकलती है और चित्रा के ऊपर गिरने लग जाती है। वो इंक चित्रा के ऊपर गिरती उससे पहले ही चित्रा दूसरी तरफ हट जाती है, जिस कारण वो लाल इंक सीधे जमीन पर गिरती है। जैसे वो इंक जमीन पर गिरती है वो जगह जलने लग जाती है।
जैसे उसके अंदर लाल इंक ना हो बल्कि तेजाब हो। उसी वक्त पेन की निप से फिर लाल तेजाब फव्वारे के साथ निकलता है, पर वो तेजाब उस बैग पर गिरता। उससे पहले ही चित्रा उस बैग को लेकर वहां से भागने लग जाती है। वो पेन चित्रा के पीछे हवा में उड़ते हुए जाने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेन किसी के वश में हो और चित्रा की जान के पीछे ही पड़ा हो। वो चित्रा पर तेजाब फेंक कर ही मानेगा। इस तरफ युग और उसके बाकी के सब दोस्त झरने के पास बैठे हुए थे। महादेव की शरण में आकर सबके अंदर का डर तो खत्म हो गया था, पर टेंशन अभी तक खत्म नहीं हो पाई थी। वो सब यही सोच रहे थे अमावस्या से पहले चित्रा उस काले साए का अंत कर पाएगी या नहीं, और यदि अंत कर भी देगी तो कैसे। वक्त बहुत कम बचा था। अमावस्या बस 3 दिन बाद थी। तारा बहुत थकी हुई थी, जिस कारण वो वर्चस्विनी की गोद में सोई हुई थी और आराम कर रही थी। वर्चस्विनी भी बड़े प्यार से बार बार उसके सिर पर अपना हाथ फेरे जा रही थी और उसके मासूम चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। वर्चस्विनी को बहुत ही अच्छा लग रहा था अपनी बेटी को सही सलामत देखकर। युग और यामिनी दोनों पास पास बैठे हुए थे और अपने में ही खोए हुए थे। उन दोनों के बीच खामोशी छाई हुई थी। युग बार बार अपने हाथ की कलाई पर बने 4 निशानों को देखे जा रहा था। उसकी आंखें अभी भी सही नहीं हुई थी, वो पूरी तरह काली थी। यामिनी इसी वजह से घबराई हुई थी कि महादेव के शरण में आकर भी युग की आंख ठीक क्यों नहीं हुई थी, वो अभी तक इतनी काली क्यों थी। अभिमन्यु डायना और पलक के बीचों बीच बैठा हुआ था। उन दोनों ने ही उसे घेर कर रखा हुआ था। न डायना अभिमन्यु से दूर जा रही थी न पलक, वो दोनों ही अभिमन्यु को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ रही थी। अभिमन्यु उठकर भी कहीं दूसरी जगह बैठने जाता था तो वो दोनों उसके पास आकर बैठ जाती थी, उसे कुछ करने या सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी। एक तरह से उन दोनों ने परेशान करके रख दिया था अभिमन्यु को। कायर, कछुआ और बिंदु एक साथ बैठे हुए थे। बिंदु अपने साथ वो जो बैग लेकर आई थी उसे उसने बहुत कसकर पकड़कर रखा हुआ था। एक पल के लिए भी उसने अपने बैग को अपने आप से दूर नहीं होने दिया था। बिंदु बार बार अपने आसपास देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। कायर को बिंदु की ऐसी हरकतें बड़ी अजीब लग रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि बिंदु अभी भी डरी हुई है, शायद इसी वजह से ऐसी हरकतें कर रही है। रजनी, अमोदिता और वंदना भी एक कोने में बैठे हुए थे। उन तीनों का डर भी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो तीनों घबराई हुई हैं। रजनी तो पूरी तरह रिलैक्स होकर बैठी हुई थी, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो। पर अमोदिता के मन में अभी भी सुदेश का ख्याल ही चल रहा था। वो उसी को लेकर परेशान थी कि सुदेश ठीक होगा या नहीं, कहीं उसने कुछ कर ना दिया हो। हर कोई किसी न किसी के साथ बैठा हुआ था और आराम कर रहा था या फिर कुछ सोच रहा था। अकेला था तो वो सिर्फ चैटर्जी, पर वो इस वक्त भी आराम नहीं कर रहा था। आराम क्या, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा था। चैटर्जी ने अपनी शर्ट उतारी हुई थी और वो शिवलिंग के ठीक सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर पालकी मारकर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का ध्यान लगा रहा हो। मुर्दों से लड़ने के कारण चैटर्जी के शरीर पर कई सारी चोटें आई थी जो अभी भी ताजा थी, जिन्हें देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे अभी भी उन घावों की चुभन का एहसास हो रहा होगा। पर वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे उन चोटों से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वो दोनों हाथ जोड़कर ध्यान में मगन था। शिवलिंग की तरफ मुंह करके वो महादेव का ध्यान कर रहा था या किसी और का, ये तो सिर्फ वही जानता था। चैटर्जी को 3-4 घंटे हो गए थे वहाँ पर ध्यान में बैठे बैठे, पर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं रहा था, ध्यान में ही बैठा हुआ था। बाकी सबकी नजर भले ही चैटर्जी पर ना हो, पर वंदना की नजर चैटर्जी पर ही जमी हुई थी। जब से उसने वर्चस्विनी के मुंह से सुना था कि चैटर्जी मायोंग के सबसे बड़े पंडित का बेटा है, तब से ही वंदना की नजरों में चैटर्जी की एक अलग ही इमेज बन गई थी। वंदना धीरे से रजनी से बड़बड़ाते हुए कहती है कि आखिर चैटर्जी कर क्या रहा है, जब से हाथ जोड़कर वहां पर बैठा हुआ है, इसे ठंड नहीं लग रही क्या। रजनी भी चैटर्जी को देखते हुए बोल पड़ती है, तुझे दिख नहीं रहा क्या, ध्यान लगा रहा है। वंदना पलट कर कहती है, ध्यान तो लगा रहा है पर किसका। रजनी झट से बोल पड़ती है, महादेव का और किसका लगाएगा, शिवलिंग के सामने बैठा हुआ है तो महादेव का ध्यान ही तो लगाएगा ना। वंदना चैटर्जी को शक की निगाहों से घूरते हुए कहती है, लगता तो नहीं है इसे कि ये महादेव का ध्यान लगा रहा है। महादेव का ध्यान लगाने के लिए तो मंत्रों का जाप करना जरूरी होता है ना, बिना मंत्रों के जाप किए महादेव का ध्यान थोड़ी लगाया जा सकता है। रजनी धीरे से वंदना से पूछती है, अगर ये चैटर्जी महादेव का ध्यान नहीं लगा रहा है तो फिर किसका ध्यान लगा रहा है। वंदना पलट कर कहती है, अब ये तो वही जानता है कि वो किसका ध्यान लगा रहा है। भूलो मत, इसका बाप एक पुजारी के साथ साथ तांत्रिक भी था, उसने इसे भी तो वो सब करना सिखाया था। मुझे तो अभी भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है।
रजनी झट से वंदना से पूछ पड़ती है, क्या गड़बड़ नजर आ रही है। वंदना रजनी के सवाल का पलटकर जवाब ही देने वाली थी कि उससे पहले ही अमोदिता बड़बड़ा पड़ती है, ये क्या सोच रही हैं आप दोनों, इतना सब कुछ हो गया फिर भी चटर्जी पर शक कर रही हैं। उन पर शक मत करो, वो बहुत अच्छे हैं। देखा नहीं उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अकेले तारा को बचाया है और यहाँ झरने तक सही सलामत लेकर आए हैं। अमोदिता के इस जवाब ने रजनी और वंदना की बोलती बंद कर दी थी। वंदना और रजनी में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही अमोदिता नाराजगी जाहिर करते हुए रजनी से कहती है, माँ तुम्हें तो कम से कम पापा के बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, ठीक भी होंगे या नहीं, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, लो ये फिर शुरू हो गई अपने बाप के गुणगान गाना। तू ना नालायक लड़की, एक बात मुझे साफ साफ बता, तुझे ये तेरी माँ ज्यादा प्यारी है कि वो धोखेबाज तेरा बाप। अमोदिता रजनी के सवाल का जवाब देती उससे पहले ही वंदना अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, तुम दोनों माँ बेटी जंगली बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो और जरा वो चटर्जी की तरफ देखो। वंदना की ये बात कहते ही रजनी और अमोदिता चटर्जी की तरफ देखने लग जाते हैं। एक सफेद चिड़िया चटर्जी के आसपास घूम रही थी। रजनी हैरानी के साथ उस चिड़िया को देखते हुए कहती है, ये चिड़िया कहाँ से आ गई चटर्जी के पास। वंदना जवाब देती है, अभी अभी आसमान से उड़ते हुए चटर्जी के पास आई है। वो चिड़िया कुछ देर तक तो चटर्जी के आसपास ही उड़ते रहती है और फिर अगले ही पल देखते ही देखते चटर्जी के उल्टे हाथ के कंधे के ऊपर आकर बैठ जाती है। जैसे ही वो चिड़िया चटर्जी के कंधे पर आकर बैठती है, चटर्जी धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है, जैसे वो ध्यान लगाकर उस चिड़िया को ही बुला रहा था। चटर्जी एकटक नजर से उस चिड़िया को देखते रहता है और धीरे से अपना मुंह चिड़िया के पास लाकर उससे कुछ कहने लग जाता है। रजनी हैरानी के साथ चटर्जी को देखते हुए कहती है, क्या तुम दोनों भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ। वंदना भी हैरानी के साथ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये चटर्जी चिड़िया से कैसे बात कर सकता है। चटर्जी रजनी अमोदिता और वंदना से कुछ दूरी पर अकेले बैठा हुआ था, जिस कारण उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था कि चटर्जी चिड़िया से क्या बातें कर रहा है। पर वहाँ से ये तो साफ समझ आ रहा था कि चटर्जी चिड़िया से कुछ न कुछ बात तो जरूर कर रहा था। चटर्जी चिड़िया से उसकी भाषा में बात कर रहा था। चिड़िया भी कान लगाकर चटर्जी की सारी बातें सुन रही थी। चटर्जी चिड़िया से अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, जाओ और जाकर उनके पास संदेश पहुंचा दो और उनसे कहना मुझे जल्द से जल्द उस चीज की जरूरत है। ये जगह भी ज्यादा दिन के लिए सेफ नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो चिड़िया चींची करती रहती है। चटर्जी चिड़िया से फिर कहता है, अब जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अगले पल चिड़िया अपने पंख फैलाती है, चटर्जी के कंधों पर से उठते हुए आसमान में उड़ने लग जाती है। चटर्जी खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मैंने संदेश तो भेज दिया है, अब बस ये वक्त पर उनके पास पहुंचाए वरना। इतना कहकर चटर्जी खुद चुप हो जाता है और अपनी जगह पर से उठने लग जाता है। जैसे ही चटर्जी वहाँ पर से उठता है, अपने पीछे रजनी, अमोदिता और वंदना को पाता है। वो तीनों ही उसे घूरे जा रही थी। चिड़िया के उड़ते ही वो तीनों वहाँ पर पहुँच गई थी। जब चटर्जी उन तीनों को देखता है तो घबरा जाता है, उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लग जाते हैं। चटर्जी घबराते हुए मन में कहता है, इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली, वरना मैं फिर फंस जाऊं। चटर्जी घबराते हुए मन में कहता है, इन्होंने मेरी बात तो नहीं सुन ली, वरना मैं फिर से फंस जाऊंगा। अभी अभी बड़ी मुश्किल से बचाऊं मैं। रजनी चटर्जी को घूरते हुए कहती है, तुम उस चिड़िया से क्या बात कर रहे थे चटर्जी। रजनी का सवाल सुनकर चटर्जी समझ जाता है कि रजनी, वंदना और अमोदिता ने उन तीनों की कोई बातें नहीं सुनी थी। वो आराम से गर्म हुए मामले को फिर से ठंडा कर सकता था और अपने आप को बचा सकता था। रजनी फिर चटर्जी को घूरते हुए बोल पड़ती है, चटर्जी मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। बोलो चटर्जी, तुम उस चिड़िया से क्या बातें कर रहे थे। चटर्जी सब बातों से अनजान बनते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हैं रजनी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, मैं भला चिड़िया से कैसे बात कर सकता हूँ। रजनी अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो चटर्जी, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से तुम्हें चिड़िया से कुछ बात करते हुए देखा है, और सिर्फ मैंने ही नहीं, अमोदिता और वंदना ने भी देखा है। रजनी की ये बात कहते ही वंदना झट से बोल पड़ती है, हाँ चटर्जी मैंने भी देखा है, बताओ क्या बात कर रहे थे तुम इस चिड़िया से। चटर्जी अभी भी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, ये आप लोगों को क्या हो गया है, कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं, मैं भला चिड़िया से कैसे बात कर सकता हूँ। आप लोग ना ठीक से सोए नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ के कुछ बोल रहे हैं, आप लोग ना सो जाइए।
इतना कहकर चैटर्जी बिना किसी की कोई बात सुने वहाँ से जाने लग जाता है। चैटर्जी के जाते ही रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, जरा इस चैटर्जी को तो देखो, हमें पागल बना रहा है, जैसे हमने कुछ देखा ही नहीं है। ये शायद भूल रहा है कि हम भी सौदाइन हैं, ऐसे ही इसे नहीं जाने देंगे। वंदना बोल पड़ती है, मुझे भी ये चैटर्जी कुछ गड़बड़ी लग रहा है। रजनी पलट कर कहती है, हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं ये ही कुछ ना कर दे। इस तरफ झरने के पास ही कायर, कछुआ और बिंदु बैठे हुए थे। कायर और कछुआ तो एक दूसरे से बात कर रहे थे, पर बिंदु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन दोनों की बातों में जरा सा भी इंटरेस्ट ना हो। वो अपने में ही खोई हुई थी, बार बार यहाँ वहाँ देख रही थी। कायर कब से इस चीज को नोटिस कर रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। कायर और कछुए की बात चली रही थी कि तभी कायर बिंदु से पूछ पड़ता है, तुम्हें क्या लगता है बिंदु? जैसे कायर बिंदु से ये सवाल करता है, बिंदु कायर की तरफ देखने लग जाती है पर कुछ कहती नहीं है। बिंदु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि कायर उससे किस बारे में सवाल पूछ रहा था, उनके बीच किस बारे में बात चल रही थी। कायर बिंदु पर चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है बिंदु? मैं कब से बात किए जा रहा हूँ पर तुम उसकी सुनी नहीं रही हो ढंग से, अपने में ही खोई हुई हो। बिंदु हिचकिचाहट के साथ धीरे से कहती है, सुनी तो रही हो कायर। कायर नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं बिंदु, तुम बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रही हो, तुम तो कुछ ढूंढ रही हो। जैसे ही कायर ये बात बोलता है, बिंदु घबरा जाती है, उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लग जाती है। कायर बिंदु को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, तुम क्या ढूंढ रही हो बिंदु? बिंदु नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं कायर, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। कायर अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो बिंदु, तुमसे प्यार करता हूँ मैं और तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम मुझसे सच बोल रही हो या फिर झूठ। बिंदु खामोशी बैठी रहती है, कुछ नहीं कहती है। कायर फिर बिंदु से पूछ पड़ता है, अब चुप क्यों हो बिंदु, बताओ क्या ढूंढ रही हो तुम? बिंदु हिचकिचाहट के साथ धीरे से कहती है, जगह ढूंढ रही हूँ कायर। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, जगह ढूंढ रही हो पर किस चीज के लिए? बिंदु कुछ जवाब नहीं देती है, अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कछुआ झट से बोल पड़ता है, सोने के लिए जगह ढूंढ रही हो क्या बिंदु? इतनी सारी जगह तो है, कहीं भी लेट जाओ, झरने के नीचे सोने में एक अलग ही मजा आता है। बिंदु चिड़चिड़ेपन के साथ कहती है, सोने के लिए जगह नहीं ढूंढ रही हूँ कछुआ। कछुआ झट से पूछ पड़ता है, फिर किस चीज के लिए जगह ढूंढ रही हो तुम? बिंदु हिचकिचाहट भरे लहजे के साथ कहती है, वो करने के लिए। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, वो करने के लिए? क्या करने के लिए बिंदु, साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहती हो। बिंदु चिड़चिड़ेपन के साथ गुस्से से कहती है, वो से मेरा मतलब है कायर वॉशरूम। तुम मुझसे प्यार करते हो कायर और इतना भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। जैसे ही बिंदु ये बात बोलती है, कछुआ कायर और बिंदु से दूर दूसरी तरफ देखने लग जाता है। कायर धीरे से बड़बड़ाता है, अब जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी बिंदु, तो मुझे थोड़ी कुछ पता चलने वाला है कि तुम्हें वॉशरूम जाना है। कायर एकदम धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे थोड़ी लगी है, तुम्हें लगी है तो तुम्हें इस चीज का पता चलेगा ना। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, कायर यहाँ पर मैं प्रॉब्लम में हूँ और तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है। कायर को अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है और वो अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी बिंदु, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं करता हूँ ना तुम्हारे इस प्रॉब्लम का कुछ, अभी तुम्हें इस प्रॉब्लम से निजात दिलाता हूँ। कायर अपने आसपास देखने लग जाता है पर हर जगह कोई ना कोई बैठा हुआ था, एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ बिंदु को अपनी प्रॉब्लम से राहत मिल सके। कायर अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बिंदु से बोल पड़ता है, एक जगह है बिंदु जहाँ पर तुम जा सकती हो, उस अपराजिता के पेड़ के पास बहुत सारी खाली जगह है, तुम वहाँ पर अपनी समस्या से निजात पा सकती हो। बिंदु उस अपराजिता के पेड़ के बारे में याद करते हुए कहती है, वही अपराजिता का पेड़ जिस पर कई सारे सफेद फूल लगे हुए हैं, जहाँ पर हाथ जोड़कर हमने उस पर लिखे मंत्र का जाप किया था। कायर हामी भरते हुए कहता है, हाँ वही पेड़ बिंदु, तुम्हें पता है वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, जिस तरह ये झरना दैवीय है वो पेड़ भी दैवीय है, वो इस जगह की रक्षा करता है, उस पेड़ से ही इस जगह का अस्तित्व है। बिंदु गहरी सोच में डूबते हुए धीरे से कहती है, मतलब इस दैवीय झरने की नींव वो अपराजिता का पेड़ है, उसी से इस जगह को जीवन मिल रहा है। कायर अपनी जगह पर से उठते हुए कहता है, बिंदु अब तुम ये बातें करने क्या लग गई, अब तुम्हें कसकर नहीं लगी क्या, चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें वहाँ पर। बिंदु कायर को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं पर क्यों, अभी तो तुम्हें लगी थी ना, अब नहीं लगी क्या? बिंदु पलट कर कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था कायर, मेरे कहने का ये मतलब था कि तुम यहीं पर बैठो, मैं होकर आती हूँ।
कायर झट से पलट कर कहता है, पर तुम कैसे अकेले? कायर अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही बिंदु उसे बीच में टोकते हुए कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो कायर, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो अकेले करने नहीं जा सकती हो। कायर पलट कर कहता है, पर बिंदु उस तरफ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। बिंदु कायर की आंखों में देखते हुए कहती है, पर तुमने ही तो कहा ना कि वो भी दैवीय पेड़ है, फिर वहाँ पर क्या खतरा होगा, थोड़ा समझो कायर, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। इतना कहकर बिंदु कायर का हाथ पकड़ती है और उसे जबरदस्ती बिठाते हुए खुद उठकर खड़ी हो जाती है। कायर बिंदु की बात को समझते हुए कहता है, ठीक है बिंदु चले जाओ, पर याद रखना उस अपराजिता पेड़ के आगे मत जाना, जो करना है उसके अंदर एरिया में रहते हुए ही करना। बिंदु कहती कुछ नहीं है, बस हाँ में अपना सिर हिलाती है और वहाँ से जाने लग जाती है। वहाँ से जाते वक्त भी बिंदु ने अपने हाथ में अपना बैग पकड़ा हुआ था जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी। बिंदु के जाते ही कछुआ कायर से कहता है, कायर तुझे नहीं लगता बिंदु कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रही है? कायर नॉर्मली जवाब देता है, तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, अब उसे कसकर लगी होगी तो अजीब बर्ताव तो करेगी ही ना। तू नहीं करता क्या, भूल गया जब तुझे लगती है तो कैसे भागने लग जाता है? भागने क्या, कहीं भी शुरू हो जाता है, न मौका देखता है न दस्तूर, बस हल्का हो जाता है। कायर की बात सुनकर कछुआ अपने अगल बगल देखते हुए एकदम चुप हो जाता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। इस तरफ झरने के पास ही अभिमन्यु, पलक और डायना बैठे हुए थे। अभिमन्यु तो खामोशी बैठा हुआ था, बस पलक और डायना कुछ न कुछ बोलते जा रही थी। पलक अभी भी वहाँ के हालात को समझी नहीं थी, बस मजाक करने में लगी हुई थी। पलक ऐसी थी, कभी सीरियस रहती ही नहीं थी, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो उसका मन हमेशा शरारत करने का ही करता था। पलक अभिमन्यु से फिर मजाक करते हुए कहती है, ये झरना कितना प्यारा लग रहा है ना अभी, इसे गिरते हुए देखकर मेरा मन तो इस झरने की बूंदों में भीगने का कर रहा है, चलो ना झरने के नीचे चलते हैं, इसी बहाने मैं नहा भी लूंगी। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही डायना अपनी तेज तर्रार आवाज में बोल पड़ती है, अभी कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पर बैठे रहेगा, तुम्हें जाना है तो तुम अकेले चले जाओ, वैसे भी तुम्हें नहाने की सख्त जरूरत है, तुम्हारे पास से बहुत गंदी गंध आ रही है, पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं है तुमने। जैसे ही डायना ये बात बोलती है पलक उसको गुस्से से घूरने लग जाती है, पर पलक को अच्छे से पता था कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। पलक डायना को उसी के लहजे में पलट कर जवाब देते हुए कहती है, मैं तो रोज ही नहाती हूँ डायना, पर लगता है तुम नहीं नहाती हो, तभी तुम्हारे पास से ये। इतना कहकर पलक डायना के आसपास की गंध लेते हुए कहती है, तुम्हारे पास से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है, तुम सड़ रही हो क्या? सड़ोगी कैसे नहीं, तुम मुझे और अभी को साथ में देखकर जो जलती रहती हो। पलक की इस बात ने डायना की बोलती बंद कर दी थी। पलक फिर कुछ कहने वाली थी कि तभी अभिमन्यु उन दोनों के बीच में दखल देते हुए चिढ़ते हुए कहता है, ये तुम दोनों फिर से शुरू हो गई, तुम दोनों थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकती क्या, मुझे सोचने दोगी या नहीं? अभिमन्यु के गुस्सा करने पर भी पलक उसकी नहीं सुनती है, फिर बोल पड़ती है, तुम क्या सोच रहे हो अभी? अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। पलक फिर बोल पड़ती है, तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना अभी? डायना झट से बीच में बोल पड़ती है, अभी तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा, वो मेरे बारे में सोच रहा है। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, मैं तुम दोनों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि काले साए के बारे में सोच रहा हूँ। डायना झट से पलट कर पूछती है, तुम काले साए के बारे में क्या सोच रहे हो अभी? अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, यही कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है, उस काले साए को पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग इस झरने के पास है, साथ ही तारा भी हमारे पास है, वो फिर कुछ तैयारी कर रहा होगा। डायना अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहती है, तैयारी, कैसी तैयारी अभी? अभिमन्यु जवाब देता है, वही तो मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ डायना कि वो काला साया अब क्या करने की तैयारी कर रहा है। पलक बीच में बोल पड़ती है, अभी तुम्हें ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पर आकर तुम चिड़चिड़े तो हो ही गए हो, साथ में तुम्हारे दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया है, पहले तुम कितने इंटेलिजेंट थे, हर केस को झट से सॉल्व कर देते थे, पर अब तो तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अभिमन्यु मायूसी के साथ कहता है, केस सॉल्व तो तब करता ना पलक जब केस की कहानी पता हो, यहाँ पर तो कहानी बदल गई है। पलक हैरानी के साथ कहती है, कहानी बदल गई है मतलब? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है। पलक हैरानी के साथ कहती है, कहानी बदल गई है मतलब? अभिमन्यु पलक को समझाते हुए कहता है,
मतलब ये पलक कि बचपन से जो कहानी मैंने सुनी थी उसके मुताबिक यक्षिणी का अस्तित्व यहाँ मेहंदी पतहर में तो था, पर वो ग्रेवयार्ड कोठी में कैद थी। युग के पिता की मौत के बाद यानी 13 साल पहले उसे वहाँ पर बंद कर दिया गया था, पर जब युग वापस लौट कर आया और उसने ग्रेवयार्ड कोठी खोली तो मुझे लगा उसने यक्षिणी को फिर से आजाद कर दिया, क्योंकि उसी के बाद मर्दों के शिकार होने शुरू हुए थे। मुझे लगा था कि मुझे यक्षिणी को पकड़कर उसे खत्म करना है। मैं उसी के बारे में जानने में लगा रहा और फिर बाद में पता चला कि जिस यामिनी को मैं यक्षिणी समझ रहा हूँ वो तो वो यक्षिणी है ही नहीं बल्कि उसकी बेटी है। असली यक्षिणी तो कैद है। पलक अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहती है, कैद है? कहाँ पर कैद है? कहाँ पर कैद है असली यक्षिणी? अभिमन्यु पलक के सवाल का जवाब देते हुए खोए हुए अंदाज में जवाब देता है, ग्रेवयार्ड कोठी में पलक। डायना अभिमन्यु को घूरते हुए पूछती है, तुम कैसे कह सकते हो अभी कि असली यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है? अभिमन्यु पलट कर कहता है, क्योंकि यामिनी उसी के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में आई थी डायना। डायना फिर पूछ बैठती है, तुम कैसे कह सकते हो अभी कि यामिनी उसी काम के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में आई थी? वो किसी और मकसद से भी तो ग्रेवयार्ड कोठी में आ सकती है ना। अभिमन्यु डायना के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही उसके पीछे से यामिनी की आवाज आती है, अभिमन्यु बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में आई थी डायना। जैसे ही यामिनी की आवाज आती है अभिमन्यु डायना और पलक पीछे देखने लग जाते हैं। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि उनके पीछे यामिनी और युग दोनों खड़े हुए थे। कब वो दोनों उनके पीछे आकर खड़े हो गए थे उन्हें खुद पता नहीं चला था। यामिनी और युग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि उन दोनों ने उन तीनों की सारी बातें सुन ली थी। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मेरे बाबा ने यही बताया था मुझे कि मेरी माँ उसी ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है। पहले मैं युग बाबू का शिकार करके अपने अभिशाप से मुक्ति पाना चाहती थी, फिर उसके बाद ग्रेवयार्ड कोठी में जाकर अपनी माँ को आजाद करना चाहती थी, पर मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिलती उससे पहले उस काले पोशाक वाले आदमी ने। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। यामिनी के बिना कुछ कहे ही सब लोग समझ जाते हैं कि यामिनी इसके आगे क्या बोलने वाली थी। यामिनी फिर बोल पड़ती है, युग बाबू से उस रात बिछड़ने के बाद मेरी रूह भटकने लग गई थी। मैं ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाना चाहती थी, पर मैं जानती थी उस कोठी के अंदर कोई खतरा है, ऐसा खतरा जिससे मैं अभी तक अनजान थी, इसलिए उस वक्त मैं वहां पर नहीं गई। और फिर मुझे किस्मत से शालिनी का शरीर मिल गया, उसके जरिए मैं ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस पाई। शालिनी के शरीर के जरिए ग्रेवयार्ड कोठी में जाने से ये फायदा हुआ कि वो काला साया समझ ही नहीं पाया कि मैं उसके शरीर के अंदर हूँ। कोठी में घुसते ही मैंने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया था, पर वो मुझे कहीं मिली ही नहीं, उनकी आवाज तक मेरे कानों में सुनाई नहीं दी। यामिनी एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, मैं अपनी माँ को ढूंढ ही रही थी कि तभी शालिनी का शरीर सड़ने लग गया। मैं समझ गई थी कि मैं ज्यादा दिन तक उसके शरीर में नहीं रह सकती थी। अपने आप को बचाने के लिए मुझे मेरे शरीर की जरूरत थी और फिर मैं वो ढूंढने लग गई। इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। यामिनी के चुप होते ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, जब हम लोग यामिनी का शरीर ढूंढ रहे थे तो मुझे लगा कि यामिनी का शरीर मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम असली यक्षिणी को ढूंढेंगे और उसके बाद यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे, पर यामिनी का शरीर मिलने के बाद ही असली मुसीबत हमारे सामने आई, काले साए के रूप में वो सबके सामने आ गया डायना को मारने के लिए। अभिमन्यु पलक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम बताओ पलक, तुम मेरी जगह होती तो कैसे सॉल्व करती? यहाँ एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी आ जाती है, प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो काला साया है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। पलक कुछ सोचते हुए कहती, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अभी पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करके। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, मतलब? पलक यामिनी की तरफ देखते हुए कहती है, यामिनी की प्रॉब्लम सॉल्व करके सब सॉल्व किया जा सकता है अभी। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, मेरे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है पलक कि तुम कहना क्या चाहती हो। पलक अभिमन्यु को अच्छे से समझाते हुए कहती है, मैं ये कहना चाहती हूँ अभी अगर हम किसी तरह से यामिनी की माँ यानी कामेश्वरी यक्षिणी को कैद से आजाद करा दे तो हो सकता है वो उस काले साए को मार दे, हम सबको इन मुश्किलों से छुटकारा दिला दे। डायना बोल पड़ती है, पर तुम जानती हो ना पलक, कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है और वहीं पर वो काला साया भी है, हम जैसे ही उस कोठी में कदम रखेंगे वो काला साया हमें भी मार देगा। पलक पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही डायना फिर बोल पड़ती है, और एक बार के लिए हम मान भी लें कि हम किसी तरह उस ग्रेवयार्ड कोठी में घुस भी जाएंगे, पर कामेश्वरी यक्षिणी को ढूंढेंगे कैसे? यामिनी ने भी तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी ना ग्रेवयार्ड कोठी में, पर वो भी उन्हें वहां पर नहीं ढूंढ पाई थी। यामिनी डायना की बात से सहमत होते हुए कहती है, डायना सही बोल रही है,
मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर माँ मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं उस काले साए ने माँ को ग्रेवयार्ड कोठी में कहाँ पर कैद करके रखा है। कौन सा ऐसा कमरा है जिसमें माँ कैद है? यामिनी के ये बात कहते ही खामोशी छा जाती है। हर कोई गहरी खामोशी के साथ चुप हो जाता है। यामिनी मायूसी के साथ फिर बोल पड़ती है, मैंने माँ को ग्रेवयार्ड कोठी के हर कमरे में ढूंढा था, पर माँ मुझे किसी भी कमरे में नहीं मिली। जैसे यामिनी कमरे का जिक्र करती है, युग के दिमाग में कमरा शब्द बार बार घूमने लग जाता है और वो कुछ याद करते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं यामिनी, तुमने ग्रेवयार्ड कोठी के हर कमरे में अपनी माँ को नहीं ढूंढा। एक कमरा ऐसा भी है जहाँ पर तुम गई ही नहीं। यामिनी हैरानी के साथ युग से पूछती है, तुम किस कमरे की बात कर रहे हो युग? युग यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उस कमरे की जिस कमरे की बात बड़े पापा बड़ी माँ से कर रहे थे उस रात। यामिनी युग सबको पुरानी बात याद दिलाते हुए कहता है, तुम लोग को याद है तारा जब हमें बता रही थी कि अघोरी जब बड़े पापा को मारने वाला था उससे पहले बड़े पापा बड़ी माँ से बात कर रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर वो लोग उस कमरे में होते तो सही सलामत होते। वो यक्षिणी उन्हें कुछ नहीं करती क्योंकि उस कमरे में यक्षिणी की शक्तियाँ काम नहीं करती है। अभिमन्यु भी पुरानी बातों को याद करते हुए बोल पड़ता है, हाँ मुझे याद है, दिलीप अंकल ने जानकी आंटी से किया था इस बात का जिक्र और उन्होंने जानकी आंटी को ये भी बताया था कि कमरे का पता तेरे बड़े पापा को उस ब्लूप्रिंट से चला था। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही डायना बीच में दखल देते हुए अभिमन्यु की बात को पूरा करते हुए कहती है, और वो ब्लूप्रिंट युग के बड़े पापा के हाथ अघोरी की तंत्र मंत्र की किताब से लगा था। युग अभिमन्यु और डायना की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैं उसी कमरे की बात कर रहा हूँ डायना। अभिमन्यु मुझे लगता है कि अगर वो कमरा हमें मिल जाए तो हमें कामेश्वरी यक्षिणी का पता भी चल जाएगा, क्योंकि जितना मैं सोच पा रहा हूँ उस हिसाब से उस काले साए ने कामेश्वरी यक्षिणी को वहाँ पर कैद करके रखा होगा। डायना बीच में दखल देते हुए कहती है, पर हम उस कमरे का पता लगाएंगे कैसे? अभिमन्यु झट से जवाब देता है, उस ब्लूप्रिंट का पता लगाकर। आखिर दिलीप को भी तो उस कमरे का पता उस ब्लूप्रिंट के जरिए ही चला था ना? पलक पूछ पड़ती है, पर वो ब्लूप्रिंट है कहाँ पर? जैसे ही पलक ये सवाल पूछती है सब लोग खामोश हो जाते हैं। पलक के सवाल का जवाब वहाँ पर मौजूद किसी के पास नहीं था। युग कुछ याद करते हुए कहता है, मेरे ख्याल से वो ब्लूप्रिंट ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही है। डायना झट से युग से पूछ पड़ती है, युग तुम कैसे कह सकते हो कि वो ब्लूप्रिंट ग्रेवयार्ड कोठी में है? युग डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, डायना तुम्हें याद है जब बड़े पापा माँ को इन सब चीजों के बारे में बता रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बड़ी माँ को ये भी बताया था कि एक बार वो बल्लू काका के साथ उस ग्रेवयार्ड कोठी में गए थे उस अदृश्य कमरे को ढूंढने के लिए, और उस कमरे को ढूंढते हुए वो लोग रूम नंबर 666 तक पहुंच गए थे और तभी उन्हें वहां पर यक्षिणी दिखाई दी थी। वो डर गए थे और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लग गए थे, जिस कारण बड़े पापा के हाथ से ब्लूप्रिंट वहीं पर छूट गया था। यामिनी युग की बातों पर गौर फरमाते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्लूप्रिंट ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही है। युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी वो ब्लूप्रिंट वही है, हमें बस ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाकर पहले वो ब्लूप्रिंट ढूंढना है और उसके बाद उस कमरे को जहाँ पर कामेश्वरी यक्षिणी कैद है। अभिमन्यु कहता है, पर युग इन सब चीजों के लिए तो हमें बहुत वक्त चाहिए होगा और मुझे नहीं लगता कि हम सब इतनी देर तक उस काले साए को रोक पाएंगे। डायना भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहती है, युग ये सब बात कहने में जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं, हम लोग तो एक मिनट तक उस काले साए के सामने टिक नहीं सकते, फिर उसे इतनी देर तक कैसे रोकेंगे? पहले ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर वो ब्लूप्रिंट ढूंढना और फिर उसके बाद वो कमरा, इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होगा हमें। युग डायना को समझाते हुए कहता है, नहीं डायना इतना ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, बस हमें इतना वक्त चाहिए जितने वक्त में हम उस ब्लूप्रिंट को ढूंढ लें, हो सकता है कि वो ब्लूप्रिंट हमें 5 मिनट में भी मिल जाए। डायना पलट कर कहती है, पर ये भी तो हो सकता है ना युग कि वो ब्लूप्रिंट हमें 5 घंटे में भी ना मिले। युग डायना की बातों से परेशान होते हुए कहता है, पर ऐसे से तो डायना कुछ भी नहीं हो सकता है, हो सकता है सब कुछ एक पल में ही खत्म हो जाए। डायना युग से पलट कर कहती है, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो युग, उस काले साए को रोक पाना मुश्किल है, न तुम्हारी शक्तियाँ उसे रोक सकती है न यामिनी की। मेरे हिसाब से तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाना सांप के बिल में हाथ डालने की तरह है। पलक झट से तेज तरार जवाब देती है, डायना सांप के बिल में हाथ तो डालना ही पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो कि वो सांप का जहर और न फैले, वो किसी को न डसे, तो ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। डायना पलक को घूरते हुए कहती है, तो तुम चली जाओ ना उस सांप के बिल में, पलक उसे मारने के लिए किस चीज का इंतजार कर रही हो?
पलक भी डायना की आंखों में देखते हुए कहती है, जाऊंगी डायना, जरूर जाऊंगी, पर पूरी तैयारी के साथ। डायना पलक को घूरते हुए कहती है, तैयारी? कैसी तैयारी? पलक पलट कर जवाब देती है, मैं तुम्हारी तरह बूढ़ी थोड़ी हूँ डायना जो हार कर बैठ जाऊं। हर चीज सोच समझ कर करी जाती है। उस काले साए को ये तो पता है कि हम उससे डरते हैं, पर वो भी तो किसी चीज से डरता होगा ना। उसकी भी तो कोई ना कोई कमजोरी होगी। इंसान हो या शैतान, देव हो या दैत्य, दुनिया का हर शख्स किसी न किसी चीज से डरता है। हमें भी बस यही पता लगाना है कि वो काला साया किस चीज से डरता है। पलक की बात सब लोग गौर से सुनने लग जाते हैं। सभी का ध्यान उसके चेहरे की तरफ ही था। पलक अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कुछ सोचते हुए कहती है, कोई ना कोई सी चीज तो जरूर होगी, कोई सी ऐसी चीज जिससे हम उसे मार भले ही नहीं सकते हो, पर कमजोर करके रोक जरूर सकते हैं। हमें बस उसे रोके रखना है कुछ देर। पलक की ये बात कहते ही यामिनी का दिमाग चलने लग जाता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, हम रोक सकते हैं उस काले साए को। युग झट से यामिनी से पूछ पड़ता है, रोक सकते हैं यामिनी, पर कैसे? सदियों से है पुरा।